बता 327 था 200 जी, वो 327 था या 328 था? ये 328 है जी, ये देखो जी करा रखा है, स्पीड भी 50-55 की भागनी। अच्छा जी, बदलवाया था मैं कट ओपिनियन, कहाँ पे बदलवाया था जी? ये यहाँ गुरुकुल भाई मिस्त्री है, नीरज मिस्त्री। अच्छा अच्छा, मालिका का कड़ा और ओपिनियन दोनों, ये काम करने के बाद। अच्छा अच्छा, तो अब डीआई भी करवाया तो आपने? हाँ जी। और कड़ा ओपिनियन बदलवाने थे, खेत में भी स्पीड बढ़ी होगी फिर तो? खेत में चाल बढ़ेगी, बट ना पहले के आई में जहाँ काम होता, अगर टिलर विलर चलाया तो 30 किलो में चलाना पड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, हर वो पहले के आई में चला हुआ जी जी। और रोड पे स्पीड? रोड पे तो स्पीड 575 वाला। साथियों नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सिवाचो फेसबुक पेज पे। तो आज भाइयों उत्तराखंड में पहुंचे हैं, गांव ब्रह्मपुर जट में, दीपक मलिक जी के पास में। तो भाइयों आज की वीडियो में लगभग भैया जी जो है 10 से 12 साल 14 साल हो गए होंगे ट्रेंच विधि द्वारा गन्ने की खेती कर रहे, और कृषि यंत्र भाइयों बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने बनवा रखे। तो आज की वीडियो में टोटल तो इनके ट्रैक्टर से लेकर एंटिक ट्रैक्टर है इनके पास में, बहुत ओल्ड मॉडल, तो ट्रैक्टर प्रॉपर कृषि यंत्र इनका घर घेर पूरा दिखाऊंगे। सामने देख लो गन्ने की वैरायटी लग रही है 8005 इनके शुरू में ही, ये देख लो नई नई वैरायटी पर भी भैया जी काम करो जा। तो सबसे पहले मैं दीपक भाई से मिलवा दूँ एक बार, उससे बाद में आपको इनके टोटल कृषि यंत्र दिखाते हैं। तो सामने हमारे भैया जी खड़े हैं। हाँ जी नमस्कार जी, क्या हाल है जी? बढ़िया जी बढ़िया। और सुनाओ जी? बढ़िया राहुल भाई। तो दीपक भाई गन्ने की खेती तो आपने बताई अपनी याद से पहले ही कर रहे हैं। हाँ। मैं तो 14 साल बताया वीडियो में। हाँ। लगभग इतने साल ही हो गए होंगे। हाँ जी हाँ जी। तो भाइयों यहाँ से शुरुआत करते हैं, ट्रेंच विधि के भी टोटल कृषि यंत्र है इनके पास में अपने, RMD हो चाहे कोई सा भी कृषि यंत्र हो। तो ये देखो तारावाड़ों की तो RMD है इनके पास में, जो कि ट्रेंच विधि खेती के लिए सबसे जरूरी कृषि यंत्र है। आ जाओ भैया। तो भैया इसके बिना तो काम नहीं चलता जी, पेड्डी प्रबंधन तो होने कहीं नहीं ना। पहले चलाया जी, मगर आज की अगर 3-4 वर्षा रखना। हाँ जी हाँ जी। और मान लिया अब जैसे ठंड पड़ दी बोरू काटना। हाँ जी जी। तो फिर वह पेड्डी इसी के दम पर होगी जी जी। अगर RMD की बात करें तो जी तारावाड़ों की बढ़िया लगी है। अच्छा देखो मेरे को इससे पहले मित्तल का भी था जी। हाँ जी हाँ जी। एक जो इधर का था मोड़ने सागे का, वो हो गांव का नाम चूक गया, सबसे बढ़िया लगा जी। संभलेड़ा का था ना? हाँ। अच्छा अच्छा, सबसे बढ़िया लगा जी। सबसे बढ़िया ये लगी जी आपको? अच्छा, इसमें बात कर अगर ब्लेड की जी, कि मतलब क्या खास चीज इसमें ऐसी अलग है जी जो और मिलती? देखो एक तो वेट कम है इसमें। अच्छा वेट कम है, ठीक है जी। ट्रैक्टर उठता नहीं। अच्छा जी। नंबर दो बात जो हो जी, ब्लेड जो हो इसके ठीक ठाक चल जाए। वैसे तो वो चक्र वाला भी चलाया मैंने तारा मित्तल वाला। हाँ जी जी। मगर एक तो उसका कॉस्ट भी महंगी। अच्छा अच्छा, ये ब्लेड इसके ब्लेड बोरोन स्टील के? कौन से जी? बोरोन स्टील के। अच्छा, क्यों ये कितना काट देगा ना आपका? ये 100 रुपए के काट देंगे। अच्छा 100 रुपए के काट दे, कितने रुपए के लगभग ब्लेड पड़ जा? यो 60 सारा जी, 1100-1100 रुपए का। 1100 का 100 बीघे कट जा, वे 300 बीघे काटते हैं। नहीं अगर काट तो, अगर सूखे की बता रहा मैं। हाँ वैसे तो शुरू का जो ब्लेड आया था 150-200 बीघे चल गया था। अच्छा अच्छा, मतलब अगर आप नमी में काट रहे तो ज्यादा चला ब्लेड जी जी। अगर इसकी बात करें कीमत की जी, कितने साल पहले आप लेकर आए थे? 4 साल हो गए, 60,000 रुपए का था। 60,000 रुपए का, तो कीमत वसूल कर दी? नहीं जी, पैसे तो वसूल कर रखे। अच्छा अच्छा भाइयों, इससे पीछे हो गया इनका ट्रेंचर, ये देखो जी, ये भी ट्रेंच विधि खेती के लिए सबसे ज्यादा, ये मित्तल वालों का ट्रेंचर है। अच्छा पुराना दे दिया था? हाँ। और नया लिया थे? नया ले लिया था उनसे ही, उन्हें दिया था पुराना भी? नहीं पुराना तो फ्रेम तो मैंने रख लिया था। हाँ जी। और पंखे दे दिए थे उसके, क्योंकि अच्छा, मैं सीधे वाले थे। अच्छा अच्छा, तो ट्रेंचर मित्तल वाला कैसा लगा जी? ट्रेंचर ही कारगर, खतौली का भी कारगर नहीं है। अच्छा अच्छा, ट्रेंचर ही कारगर है जी जी। तो भाई ये ट्रेंचर हो गया, कितने का आया था जी लगभग? अब नहीं याद, 30 से 31 हजार ये डॉलर हो गया भाई उनका। ये मिट्टी तारने का होगा ट्रेंच का ही। अच्छा ट्रेंच का ही मिट्टी तारने वाले, तो ट्रैक्टर पर अगर इन्हें मिला लो तो चढ़ा देगा। अच्छा, और वैसे तार लो, वैसे तारने का कर रखा है क्योंकि मित्तल का ही है मिट्टी चढ़ाने का, तो मेरे को छोटा ट्रैक्टर का। अच्छा अच्छा, इससे मिट्टी उतर जा ट्रेंच की मिट्टी, ये चौड़ा करना पड़ा, चौड़ा करना पड़ा जो मेरे रूट है में टूट का फिर नहीं का विकास होगा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो इसे इन्हें बदल के लगाया जाए जी, ऐसे इसी एंगल पे तारे का? इसी एंगल बता रहा मैं, यहाँ गैप दे देंगे यहाँ चले जाएगा। अच्छा अच्छा, ट्रैक्टर चलेगा बीच में? बीच में बड़े से ही तार दे। अच्छा बड़े से, बड़े से ही तार दे मिट्टी। तो ये कहाँ से लिया था जी आपने? ये बिजनौर से। अच्छा, ये बिजनौर की तरफ है ज्यादातर। तो ये तो मुझे लगा 7,000 रुपए का 8 का सारा ही है। हाँ जी हाँ जी, अब तो बढ़ेगा इसके जी जी। तो भाइयों हम ट्रेंच ही करो बड़े ट्रैक्टर से जी जी। छोटा तो एक ट्रैक्टर भाइयों इनके पास में वो मिला जो हमारे पास में था, इससे जुताई करो।
एस्कोर्ट, ये हमारे पास में 327 था जी, या 300 इंडिया का था, ये पोलैंड का। अच्छा, ये पोलैंड वाला जी। तो भाई ये सबसे पहले ट्रैक्टर को दिखाता है, एंटिक चीज रख रखी। दीपक भाई सामने आ जाओ जी। तो ये कौन सा मॉडल है जी? ये मेरे जन्म से पहला जी, 70 मॉडल है। 70 मॉडल है जी। तो आपके पापा जी लाए थे? पापा जी, पिताजी और पापा जी दोनों थे जी। अच्छा, दोनों थे जी, नए लेके आए थे जी। हाँ, वो भी लाए। तो ये पोलैंड का जी? मेड इन पोलैंड। अच्छा, मेड इन पोलैंड है भाई, ये देख लो एस्कॉर्ट। और कंडीशन भी भाइयों बिल्कुल गजब की है जी। तो ये आज तक रख रखा जी, जैसे ट्रैक्टर और भी ले रहे? नहीं जी, यो आज तक और रूटीन में चलता है। अच्छा, चलता है जी। तो देने का कोई इरादा नहीं जी? मतलब ही नहीं है, इससे तो पहचान हमारी। अच्छा, इससे पहचान है। तो भाई ये देख लो जी, कितना ओल्ड मॉडल ट्रैक्टर इन्होंने अब तक रख रखा। ये एस्कॉर्ट 327 हमारे पास में था। 327 था दोस्तों जी? वो 327 था, ये 328। ये 328 है जी। ये देखो जी, स्पीड भी 50-55 की बारनी है। अच्छा जी, बदलवाया था मैं इसका। कड़ा पिनियन कहाँ पे बदलवाया था जी? ये यहाँ गुरुकुल भाई मिस्त्री है, नीरज मिस्त्री। अच्छा अच्छा, मालिका का कड़ा और पिनियन दोनों बदल दी थी इसने। अच्छा अच्छा, और कंट्रोल टप्पा लगवाया जी था इसमें। अच्छा, वो कहाँ से बदला जा जी? वो अंदर से बदला जा रही है। अच्छा, वहाँ से बदलवाया था। अच्छा, तो ट्यूब भी बदल रही थी क्या पूरी? ये ट्यूब क्रैक हो गई थी जब बदलवाई थी, ये काम करने के बाद। अच्छा अच्छा, तो अब डीआई भी करवाया एक तो आपने। हाँ जी। और कड़ा पिनियन बदलवाने से खेत में भी स्पीड बढ़ी होगी फिर तो? खेत में चाल बढ़ेगी, मत ना पहले के आई में जहाँ काम होता टीलर विलर चलाया तो 30 किलो में चलाना पड़ा थोड़ा। अच्छा अच्छा, हर वो पहले के आई में चला हुआ जी जी। और रोड पे स्पीड? रोड पे तो स्पीड 575 वाला कहना, पीछे हट जाए, इतनी जल्दी नहीं जाने का। अच्छा जी, तो टायर बदलवाने पड़ेंगे आपको? टायर हाँ हाँ जी, डलवा दिए थे जी, टायर डलवा दिए थे। तो मीटर वगैरह चल रहा है जी इसका? ओके चल रहा है जी। अच्छा, एक बार सेल्फ देखे मार के जी? अभी बैटरी डाउन होगी इसकी। अच्छा, बैटरी डाउन, कल इसका सेल्फ वो करवाया इंडिनेटर। अच्छा, करंट नहीं बनाया जी जी। अब सर जो बैटरी की समस्या, तो भाई ये देख लो जी, एंटिक ट्रैक्टर भैया जी ने रख रखा और बिक्री का नहीं है बिल्कुल भी, और बिल्कुल शौक से डैग वैग लगवा के कंप्लीट है जी। तो स्टेयरिंग तो जी कैडा होगा इसका जी, एस्कॉर्ट की तरह? हाँ, कैडा ही है बिल्कुल। और भाइयों ये आ गया इनके पास में लैंड फोर्स का सुपर सीडर। सुपर सीडर क्या है? तो गेहूं बोने वाली मशीन है, मशीन ही है गेहूं बोने वाली। तो ये कितने साल पहले लेगा जी? 4 साल। कभी लाभ लगा गेहूं इससे? बोला भाई साहब बहुत लाभ हो, अपने ज्यादा लिख रहा है बो दू। अच्छा अच्छा, ज्यादा लिख रहा है जी गेहूं प्रोडक्शन में भी हो। एक तो बीज कम लगो। हाँ जी हाँ जी, खाद और बीज, मतलब पहले खाद जाएगा फिर बीज उसके ऊपर रखा जाएगा जो गेहूं का नियम हो। हाँ, और दूसरी बात, गेहूं में हवा निकलती है, गिरता नहीं। अच्छा, गिरता नहीं। और अगर मान लिया लेबर नहीं मिली, मशीन वगैरह से कटवाना पड़ जाए, तो ये इससे ही जी हो जाए, इससे ही बढ़िया हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ये गेहूं वाली मशीन होगी इनकी बोने वाली, ये स्प्रे टैंक हो गया इनका। तो ये कहाँ का जी बनवा? ये गुरुकुल का जी, टैंकर तो बहुत पुराना है, इस पर टंकी और पंप बदला था। वैसे अच्छा, 99 में बनवाता है, 98-99 में, जब कभी हम 36 भी। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो ये ट्रैक्टर भी आपका? हाँ जी। ये कौन सा आ गया? महिंद्रा भाई, 275 है मॉडल है जी। ये 1990 मॉडल है जी, और ये भी इन्होंने अब तक रख रखा। चलो अलग, तो इसका एक पाइप फट गया था, वो मिला नहीं। अच्छा अच्छा, वापसी वाला जी 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 रखा वो। अच्छा अच्छा, इसीलिए वो नहीं टूटा हुआ आज का। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो भाई ये देख लो कौन सा मॉडल बताया जी? 90 मॉडल है। 90 मॉडल, ये देखो जी, 1990 मॉडल महिंद्रा 275। और कोई लेता होगा बेच भी देंगे। अच्छा, इसे बेच दोगे? ठीक है जी। तो भाई ये ट्रैक्टर बिक्री के लिए भी है अगर कोई भाई? इंजन करवाएगा, हमने करा रखा है जी, नंबर एक में सारा काम कराया। अच्छा अच्छा, इंजन करवाएगा, चला ही होगा मुश्किल तो 200-400 घंटे। हाँ हाँ, चलो जी। और भाइयों इसमें जो है, यहाँ से इन्होंने मित्तल वाले फ्रेम पे ये बड़े ट्रैक्टर द्वारा जुताई का जो बना रखा टीला, ये देख लो जी, यो मित्तल वाला वही फ्रेम है ना जो बता रहे हैं जी जी। तो भाई गन्ना जुताई के लिए बहुत बढ़िया काम करा है। और इससे आगे भाइयों आ जाओ, अब भैया जी के पास में रूटर वेटर भी अलग ही कंपनी का ले रहे, परम का, इसके बारे में भी बात कर ले एक बार। तो भैया जी रूटर वेटर देखो, मासिको भी आ रहा, शक्तिमान भी आ रहा, गुरुड़ का भी आ रहा, कई कंपनियां रूटर वेटर की है भाई जी। आप चलाया सोनाली का भी चलाया? हाँ जी हाँ जी, मगर यो सबसे सही लगा, मतलब किरा तो वहाँ करना नहीं जी जी जी, अपने काम में सबसे अच्छा। अच्छा, अपने काम में सबसे अच्छा। हाँ जी। मतलब ढाल चला है जी? हाँ जी। अच्छा अच्छा, तो भाइयों ये देख लो जी, तो भाइयों तो मतलब बढ़िया चल रहा जी? हाँ बढ़िया चल रहा जी जी जी। इसे देख, हम देख गाँव में 2-3 रूटर आई परम के, 2 आए। अच्छा अच्छा, परम का मतलब बढ़िया है जी जी। तो भाइयों देख लो, परम का 6 फुटर रूटर बैठ रहा है, और किसान की पूरी तरीके से संतुष्टि है कि भाई बिल्कुल ढाल चला जी जी जी। और इधर जो आ गई, ये भैया जी की गाड़ी होगी, ये कौन सी जी? ये बोलेरो नियो।
अच्छा बुलेरो जो नए मॉडल में आई, ये देखो भाई ये बुलेरो जो है नए मॉडल में आ गई, ये वाली ले रखी इन्होंने। और भैया जी का ये आ गया ट्रैक्टर जी, जो इन्होंने नया ट्रैक्टर लिया 2020 में, मैशी 241 सामने आ जाओ जी। तो भाइयों ऊंचे पायदान में है ईगल, ईगल में होगा जी तो हाँ जी, और 5 गियरों के साथ में ट्रैक्टर आता है जी। तो भैया जी एस्कॉर्ट चलाया, महिंद्रा चलाया 275, फिर अब मैसी पे आ गई, क्या कुछ अलग लगा मैसी में भी? देखो जी मैसी के शौकीन थे हमारे पिताजी। अच्छा जी, हम तो लाए थे जॉन डियर जी। जी जी जी, जॉन डियर में क्या समस्या आई? 05 नहीं मैं बताऊंगा, 05 जी जब यो गियर बनाया। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे ही छोटे भाई ने मजे मजे में फार्म भर दिया, वो निकल गए जी। तो मेरे को मैसेज आया, हाँ जी, उसने नंबर मेरा दे रखा था। हाँ जी, कहा भाई निकल गया, मैंने पापा जी को कहा। हाँ जी, तो पापा जी बोले अग नहीं भाई अभी नहीं हम लगते। हाँ जी, मगर जी महिंद्रा लिया हूँ 575 39 HP उसकी PTO आस पास उसमें ही निकला है। हाँ जी, कहने लगे भाई ट्रैक्टर होगा तो मैसी होगा, तो पहले ही हरे रंग का ले दिया मैसी के शौकीन थे, मगा तो जी मैसी के ले लो। तो फिर जब ये मैसी का लिया था जी। अच्छा अच्छा, जॉन डियर जैसे चलाया, जॉन डियर में क्या समस्या लगी? समस्या कुछ नहीं है, खर्चा ज्यादा जी उसका, खर्चा ज्यादा पर काम भी करो, मगर यो अब तो हाथ ही बैठ रहा है जी। अच्छा, यो हाथ बैठ रहा, तो कितने घंटे चल गया जी लगभग? यो 1800 के समथिंग चले। अच्छा 1800 घंटे का। तो ईगल में जैसे 5 गियर दिए, स्पीड बढ़िया और बस सबसे बड़ी तो खासियत इसकी जी, इसकी पीटीओ के हर गियर पर पीटीओ के चक्कर मिल जा। अच्छा, तो हर जैसा, हाँ तो जैसे हम टर्बाइन हो, हाँ जी, पुड़ी से चलो, हाँ, तो वहाँ 12 सस्ता पड़ोगे। अब मान लिया जैसा हम वहाँ जहाँ जुताई कर रहे थे वहाँ 12 थी 6 इंची, तो वहाँ इसका खर्चा जो एक बीघे घंटे में 3-3.5 बीघे वाहन भर दे। अच्छा अच्छा, और तेल लेगा वही 1.5-2 लीटर। हाँ, हाँ, अच्छा टर्बाइन हो जो ट्रैक्टर द्वारा चलो वो समर से भी ली मान लो उसको, हाँ, टर्बाइन हो, हाँ, वहाँ औसत सही है वो इसका। अच्छा टर्बाइन आप उसे करे जनरेटर को? ना टर्बाइन, अच्छा टर्बाइन नहीं है, उसको पट्टा चढ़ो। अच्छा, पुआ नहीं होता उसका कुछ भी। अच्छा, आपके यहाँ उत्तराखंड में वो ही है डायरेक्ट पंखा वाला लगा रखी हुआ है, 2-3 ट्वेल ही मेरे यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, ट्वेल तो यहाँ जरूरत नहीं पड़ती, बहुत बहुत लगा दी थी बस जो। जी जी, तो कुल मिलाकर मैसी ट्रैक्टर अपना पसंद आ रहा। हाँ पसंद आ रहा जी जी। तो भाइयों देखो इससे बम्पर कहाँ लगवाया था जी? इसमें बम्पर लगवा था जी मीरापुर। अच्छा, भारतीय किसान यूनियन में भी हो जी? हाँ जी, बस कौन से वाली यूनियन? टिकेट यूनियन तो एक ही जी, टिकेट। हाँ सही कह रहे बिल्कुल भाई, टिकेट साहब से तो या यूनियन ना। हाँ और लोक दल चौधरी चरण सिंह जी के ना। हाँ बिल्कुल, तो सब इसी में ही सब नया डिवीजन लिया, फिर इसमें से निकल जा सीख के जा बिल्कुल। तो भाई देखो बाबा जी टिकेट वाली यूनियन होगी भारतीय किसान यूनियन, उत्तराखंड में भी पूरे जोरों पे अब तो नहीं मेरे यहाँ। अच्छा हाँ जी, जी काम हो रहा है जी यूनियन, भारतीय किसान यूनियन। ये देखो जी वेट लग रहे ट्रैक्टर पे। और भाइयों ये एक चीज और है इनके पास में, ये मित्तल वालों का भाइयों सबसोलर है इनका, सिंगल फाड़ वाला, ये भी नई नाम में मिला हुआ मिल के द्वारा है जी। जी जी, कहाँ से मिला था जी? उत्तम शुगर मिल लिबर्टी। अच्छा अच्छा, उन्होंने नाम में दिया था जी। हाँ जी, चलो जी बहुत बढ़िया जी। तो भाइयों अभी जो है 2 कृषि यंत्र इनके बाहर भी रखे, यो क्या यो भी आपने बनवाया था जी? यो जी जब हम साल भर दिल्ली धरने में रहे। अच्छा, तो किसान आंदोलन में वहाँ की याद ताजा करने के लिए जी, तो जजबा बना रहा तो भाई ये झोपड़ी बनाई थी यहाँ से, और वही रंग वंग लिया था इसमें एक कर्मचारी मेरे पास। अच्छा अच्छा, नहीं बनाई थी बंगाल के हूँ जी जी, 2-3 साल। ये देख लो भाईयो, ये जो था गाजीपुर बॉर्डर पे जो आंदोलन चला था उनकी याद में, मतलब इनका अभी से देख के जी सा लग जाता होगा थारा। हाँ जी हाँ, शाम को बैठा था मैं, शाम को मीटिंग चला। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये देख लो जी। और भाइयों यहाँ पर आ गया इनका ये टीलर, टीलर कौन सा जी? इंग्लिश सा लग रहा था, इंग्लिश टीलर है भाइयों, ये देख लो जी, एंटिक चीज किसी किसी के पास में मिला है ये कभी फर्गुसन के साथ में आया था जी। देख लो जी, ये थी कलाकारी बनाने के, इतना ढाल टीलर नहीं चलता होगा जी कोई ना, रिपेयर कराई इसमें। अच्छा, इसकी एंगल टूट गई थी, इंग्लिश लाइक लगाई मैंने। अच्छा इंग्लिश लाइक, इंग्लिश कहाँ मिली फिर ये? ये एक टीलर था जी, वो बेच रहा था तोल में। अच्छा अच्छा, तो उसने कहा जी मैं 6,000 की दूंगा, मंगा तो 6 की दे। हाँ भाई इंग्लिश टीलर देख लो, इसकी टीलर में जो मक्खी भोगड़ी बोल रहे जी। हाँ जी हाँ, इनका मेंटेनेंस हो जाए यहाँ कोई मिस्त्री कर दे। हाँ, कर दे कि हाँ भी रली बेड़ी। अच्छा अच्छा, जी जी जी, और पहली रिपेयर हुई, मतलब पहली रिपेयर हुई, पहली कितने साल हो गए होंगे लगभग? यो तो 40 साल से ऊपर हो गया, 40 साल से ऊपर हो गए। तो भाई ये देख लो जी, कमाल हो गया, इंग्लिश टीलर इनके पास में, और मैडे का भी स्टैंड बन रहा है। हाँ जी, स्टैंड उसने मिस्त्री ने बना, टीलर हलने का नहीं। हाँ बिल्कुल, ये देख लो जी कमाल हो गए। तो टीलर बहुत बढ़िया चलता होगा, मैं इसी पर तो मजा बांध देता हूँ। और भाइयों ये होगी इनकी हैरो, ये हैरो कहाँ की जी बनी भाई? ये बिजनौर की। अच्छा बिजनौर वाली, बिजनौर की हैरो बहुत है।
हाँ बहादुर फेमस, हाँ फेमस है जी वहाँ के आरो। तो भाइयों ये देख लो जी, टोटल भैया जी का कृषि यंत्र दिखा दिए, दो ट्रॉली भैया जी के पास में है, एक में गन्ने भरे खड़े और एक घर खड़ी। तो ये थे भैया जी के कृषि यंत्र, और सामने यहाँ पे बाहर बिल्कुल घेर है, 8005 लग रहा सामने देख लो। तो भाइयों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, कमेंट करके बताना। नमस्कार। ये कौन सी नस्ल का जी? ये तो जर्मन शेफर्ड। अच्छा जर्मन शेफर्ड, वो पाकिस्तानी बुल्ली उधर। अच्छा पाकिस्तानी बुल्ली उधर बैठी। आजा ओ बड़ी आजा, ये देखो जी। बहुत सारी ब्रीड है, इनका भी शौक है जी भाई। ये घेरे में बच्चे बाल रखे जी, बच्चे ही शौक है ना। अच्छा अच्छा बच्चे, ये देख लो जी। इधर क्या कर रखा जी? हो इधर केंचुआ खाद जी, और दो तीन वैरायटी इधर तैयार कर रखी। अच्छा अच्छा, ये केंचुए का खाद हो गया। अच्छा ये बॉक्स कहाँ से लेकर आए थे जी? ये ब्लॉक से मिले थे जी ये। अच्छा। मैं यहाँ एक वो चल रहा था, 4 साल का था। अच्छा इसमें केंचुए खाद तैयार करने के लिए? हाँ जी हाँ जी जी, ये देखो जी सब हम इसी तैयार करो जी। जी जी जी, ये देखो भैया केंचुए खाद होगी, और पीछे भैया जी ने गन्ने की वैरायटी भी लगा रखी है ये पशुओं के लिए। 7 वैरायटी है जी। अच्छा गन्ने की 7 वैरायटी, और अथारे की भाई तुमने कमाल कर दिया जी। ये देखो भाइयों यहाँ पे गन्ने की 7 वैरायटी लगा रखी इन्होंने। कौन कौन सी जी? भाई ये तो भी नहीं कह सकता क्योंकि ये महाराष्ट्र आई थी, अभी मुझे ही नहीं पता नहीं। अच्छा महाराष्ट्र से आई थी जी। अच्छा अच्छा, तो भाइयों देख लो जी गन्ने की यहाँ पे भी कितनी वैरायटी भैया जी ने तैयार कर रखी, ये देख लो जी।